रियली कूल। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं एक नॉर्मल गेम प्ले के साथ वापस। नॉर्मल क्यों? क्योंकि भैया आप, मैं कुछ ज्यादा कस्टम से वीडियो डालता था, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 आज खेलते हैं स्कूबी के साथ, करते हैं 20-25 किल और उतरते हैं पोचिंग गेम में। तो फाइनली यार तुम देखने वाले हो एक खतरनाक गेम प्ले जिसमें किल्स की वर्षा होने वाली है और तुम्हारा भाई घुस घुस के लोगों को मारने वाला है। तो बी रेडी, कुर्सी की पेटियां बांध लो। भाई मुझे नहीं पता इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम थी, बट ये थोड़ी देर के लिए सीधा खड़ा था तो मैंने दोनों को नॉक कर दिया। अब दो बंदे जस्ट मेरी सामने वाली बिल्डिंग में थे और एक के दिमाग में पता नहीं क्या आया। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया, बट इसका जो साथी था वो छत पे चढ़ के बैठा था, तो इधर मेरी फट रही थी तो मैंने स्कूबी को बुलाया। अब स्कूबी आया और सीधे ओपन में चला गया, तो स्कूबी के देख के मैंने डिसाइड करा कि चलो वो जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। अब देखो पांच ग्रुप में बंदे थे और हमारे राइट साइड में भी बंदे थे, तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूज था जाऊँ किधर। अब पीछे देख रहे हो DBS चल रही है, उधर भी बंदे हैं। फिर मैंने डिसाइड करा कि इधर ही चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी किल थी जो कि शायद कोई चुरा सकता था। अब ये बंदा हिम्मत हार चुका था तो मैंने उसको फिनिश कर दिया। अभी भी दो किल मेरे बच रहे थे जो फिनिश नहीं हुए थे। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिखाई दिया और चारों तरफ हो रही थी फायरिंग। मैंने डिसाइड करा कि पहले मैं इसको मारूंगा कि इसके पास अभी भी गन नहीं थी रियली। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक घर से साउंड आ रहा था, मेरे को पता था मेरे जस्ट आगे वाली बिल्डिंग में एक बंदा है, बट पहले यहाँ पर एक और फुटस्टेप आया बट ये बॉट था तो मैंने इस बॉट को मार दिया। इसके पास एक ही थी तो मेरा थोड़ा एमओ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट उतना भी एमओ नहीं मिला कि मैं सीना चौड़ा करके बोलूँ कि मेरी लूट पूरी हो गई। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक बात पता थी कि अगर मेरे को यहाँ पर जल्द से जल्द बंदों को मारना है तो सबसे क्लोज में जो बंदा है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखो इसको जैसे ही मैंने मारा 6 किल हो गए, आई थिंक मेरे सारे किल यहाँ पर कंफर्म हो गए। यही उस स्क्वाड का आखिरी बंदा था, तो छत पे कौन चढ़ा था, तो शायद छत पे कोई और ही था। वेल जो भी हो, बंदे चाहे जहाँ पर भी हो जैसे भी हो, एक एक करके सब हमारे पेट में ही आएंगे, मतलब हम ही मारने वाले हैं सबको। अब देखो यहाँ पर मैं हेल्थ लगा नहीं रहा था क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। अभी और बंदे हैं वैसे आपकी। अब यार इधर भी मेरे को एक है और बैरल का एमो नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ एक रीलोड था सच बोलूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ भी करके एमो इकट्ठा करना था। अब यहाँ पर देखो बगल में एक बंदा था जिसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि AFK था, सच बताऊँ तो मैंने देखा ही नहीं था। अब देखो वो AFK बंदा स्कूबी ने ढूंढ लिया और मैंने एक नॉक कर दिया। मैं स्कूबी से कह रहा था उसको छोड़ दे, अगर वो AFK है तो हम बाद में मार देंगे, पहले इधर बंदे उनको तो मार ले। अब देखो मैंने दो बंदे नॉक कर दिए थे और इनका लास्ट बंदा अभी भी रोड क्रॉस करा था, मैं उसको मार नहीं पाया क्योंकि कोई एंगल नहीं था। अरे यार इधर आओ, मैं कह रहा हूँ। अब देखो वो बंदा जस्ट बाउंड्री के पीछे था, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि उसको मारने कैसे जाऊं मैं। अब इसको भी सीधा यहाँ ऊपर चढ़ गया भाई, ये बंदा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला। अब देखो तुमको बाउंड्री बंदा दिख गया होगा, ये वही बंदा था जिसे मैंने स्पॉट करा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आया। अब यार इसने मेरे आग लगा दी थी तो मैंने उसको फिनिश कर दिया। ये आग को ज़्यादा डैमेज दे तो नहीं रही थी, लेकिन तभी वो बंदा आया जिसको मैंने पहले स्पॉट कराया था, तो ये इस स्क्वाड का आखिरी बंदा था। अरे यार गन में गोली खत्म हो गई और मैंने हगा भी। वेल जो भी हो, इसको भी हो साथ, तो डरने की क्या बात। यहाँ पर उसने मेरे को रिवाइव दे लिया। अब फाइनली पोचिंग की ऑफिशियली खाली हो चुका था शायद, लेकिन अभी ये AFK बंदा बच रहा है। अब देखो इसको जैसे कि मैंने बोला, मेरे को दिखा तो था बट मैंने नोटिस नहीं करा था इसे। और ये भाई साहब तो क्या ही बताऊं मैं, गन देखो कपड़ा देखो। वैसे जो भी हो, उसको मारने के बाद अब ऑफिशियली पोचिंग खाली हो चुका था, तो हम जा रहे थे कहाँ, अपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई। गलती क्या हुई, मैंने DP ली थी, उस पर 6x लगाया था और 6x को मैंने 3x नहीं बनाया था, और तुम सबको पता है कि 6x एसेंसी मेरी कितनी ज़्यादा लो है स्नाइपिंग की वजह से। तो बस देखते जाओ यहाँ पर मैं क्या ही हगने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे को दो गाड़ियों का साउंड आया, एक डासिया और दूसरी नई वाली मैक्लेरन। ओ भाई यार मैंने यहाँ चीख के बोला कि यार मैं चूतिया हूँ, मैंने 6x और 3x नहीं बनाया,
वेल जो भी हो, मेरे को लगा था मैक लगाने वाले दूसरे बंदे हैं, बट नहीं, ये इन्हीं के टीम के बंदे थे। तो जैसे ही मैंने एक को नॉक करा, वो उनको बचाने गए, तो मैं समझ गया कि ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई नहीं है, तो यहाँ मैं क्लोज इन करने लगा। अब देखो यहाँ पर मैं अंदर आ गया, मेरे को पता था वो इसी बिल्डिंग में है। मैंने 6x को 3x बनाया, हेल्थ लगाने लगा, लेकिन तभी अंदर एक बंदा आया। यार ये हेल्थ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। वेल मैं इसे नॉक नहीं कर पाया था, बट इसको भी ऊपर चढ़ गया था, और ये बात मैंने ध्यान नहीं दी। अब बस तुम देखते जाओ कंफ्यूजन। अब इसको भी ऊपर था, लेकिन ये कब नीचे चला गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं इसको मारने नीचे गया, इसको भी को मैंने अपने टीममेट नहीं समझा, बल्कि एनिमी समझ लिया था भाई, फुल कंफ्यूज इधर में। वेल जो भी हो, मैंने एक नॉक कर दिया था, लेकिन अब मुझे सब क्लियर था, स्कूबी कहाँ है, बाकी बंदे कहाँ हैं, और बस देखते जाओ। हाफ एचपी, 3 बंदे, क्या मैं मार पाऊंगा इनको, कमेंट में बताओ। यार ये स्कूबी वेल जो भी हो, उसके बाद एक बॉट आया जिसको मैंने बड़े आराम से मार दिया। अब देखो ज़्यादा कुछ करने के लिए बच नहीं रहा था, हम गए रोजॉक चेक करके आए, वहाँ कोई मिला नहीं। हम वापस आ रहे थे तो हमको एक ड्रॉप दिखाई दिया। अब मैंने कहा चलो लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट ही ले लेता हूँ, काम आएगी, क्योंकि जब आप मतलब सोलो वी स्क्वाड या ड्यू स्क्वाड खेल रहे हो ना, तो हेलमेट वेस्ट आपके पास जितना अच्छा रहेगा ना, आपके पास उतना एडवांटेज रहेगा। तो यहाँ मैं ड्रॉप पे आया। अब मैं होप कर रहा था यहाँ पर मेरे को AWWM मिलेगी, बट ये ड्रॉप ऑलरेडी लूटेड था। वेल जिन्होंने लूटा था वो जस्ट मेरे सामने थे। भाई ये क्या गली है यार, गाड़ी से उतरने के बाद बंदा जिगल करता ही नहीं है। वेल जो भी हो, उन्होंने गाड़ी रोक ली थी क्योंकि साउंड आना एकदम से बंद हो गया था व्हीकल का, तो मैंने स्कूबी को बोला कि वो रुक गए। अब मेरे पास एक प्लान था, मैंने दीवार बनाई और मैं छत पे चढ़ गया। अब देखो मुझे पता था कि ये बंदे लड़ने के मूड में तो है, बट प्रॉब्लम एक थी, ये पुश नहीं कर रहे थे आगे, और वो जो ढाल थी ना वहाँ पर ऊपर से जो पुश करता है उसको नुकसान रहता है, क्योंकि आप उन बंदों को देख नहीं पाओगे और वो आराम से कवर के पीछे रह के आपको मार देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वॉल बनाई, बट वो आ नहीं रहे थे, तो मैंने स्कूबी का स्कूबी काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब देखो स्कूबी यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो गया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। मैंने कहा अगर स्कूबी को मैं गाड़ी चलाने को बोलूँ तो उनका ध्यान स्कूबी पर जाएगा और मैं उनको फ्लैंक कर देता हूँ, तो ऐसे में उनको लगेगा ही नहीं कि उनको कहाँ से पड़ गई। अब देखो ये प्लान काफी अच्छा था, मतलब अगर स्कूबी इनको प्रॉपरली डिस्ट्रैक्ट करता तो मैं आराम से किल्स निकालता, लेकिन तभी किसी ने किसी को पिस्टल से मार दिया और स्कूबी कहने लगा कि ये हैकर है। अरे हैकर है क्या? अब यहाँ पर मैंने एक बंदा नॉक तो कर दिया था, बट एक बंदा अभी बच रहा था। अब देखो मेरे को पता था कि वो बंदा रिवाइव दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने फिर भी दीवार सेलेक्ट कर ली ताकि अगर वो मेरे पर फायर करता है तो मैं वॉल बना दूँ। अब देखो यहाँ पर मैं परफेक्ट डिस्टेंस पे आ गया था, तो मैंने एक नेट डाला। बहुत गंदा मार रहा है बंदा, बहुत गंदा। और इजी किल। नाइस। अब देखो यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो चुके थे, मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ से आया था इन्होंने जिसको मारा था, बट जो भी हमने सबको मार दिया। अब देखो यहाँ पर हम रुइंस की तरफ जा रहे थे कि तभी मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी। क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो इधर जाते दिखे। अब स्कूबी को पता नहीं दूसरी तरफ भी एक गाड़ी दिखाई दी थी, लेकिन करीब यह था, तो पहले इसको मारेंगे हम। भाई इतना टट्टी स्प्रे। Well, जो भी हो, एट द एंड उसे मैंने मार ही दिया, लेकिन स्कूबी भी गलत नहीं था, यहाँ पर बंदे थे। अब क्या हुआ कि जब हम इसको लूटे और यहाँ से निकल रहे थे, तभी मेरे को दो बंदे दिखाई दिए। ओ भाई, तो यहाँ पर फाइनली मैंने दोनों को मार दिया था, और स्कूबी ने भी किसी को ऑपरेटर बोल रहा हूँ, AWM मारी थी, पता नहीं किसको ही मारी थी। वेल जो भी, उसके बाद हमारे सामने एक फ्लेयर ड्रॉप गिर रहा था, तो हम फ्लेयर ड्रॉप को लूटने क्या बंदों को मारने आए। अब स्कूबी को AWM उसी बंदे से मिली थी, कार वाले से, तो मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास स्कोप नहीं था उस टाइम। 6x के साथ स्नाइप करने मेरे को उतना मजा आता नहीं है वैसे। अब देखो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, हमको पता था वो जोन से बाहर है, उनकी गाड़ी उनसे बहुत दूर है, तो वो गाड़ी लेने आएंगे और हमारे लिए एक इजी किल होगा, ऐसे में हम पीक देंगे को, वो हमको AWM से मार देगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
अब देखो, बहुत देर से वेट कर रहे थे, वो बाहर ही निकल रहे थे और तभी एक गाड़ी आई यहाँ पर। अब ये बंदा बच गया था, तो अब बारी थी इनके ऊपर पुश करने की, क्योंकि दूसरे जो बंदे थे वो दूर पे थे और रिज में थे, तो ऐसे मैं आराम से पुश कर सकता था, लेकिन एक ने पीक दी तो इसको भी उसे नॉक कर दिया। यार मेरे को लग रहा था ये घर में होगा, ये बाहर कहाँ लेटा था। बस जो भी, उसको मैंने आराम से मार दिया, लेकिन अब बारी सामने वालों की थी। अब एक बात तुमको पता चल गई थी कि उनके पास AWM नहीं है, है ना, क्योंकि उन्होंने M24 चलाई थी। तो यहाँ पर स्कूबी के पास एडवांटेज था, स्कूबी मेरे को यहाँ पर कवर दे रहा था, तो मैंने स्कूबी से बोला यार मैं हाइट का फ्लैंक कर रहा हूँ। अब कुल मिला के यहाँ पर मैं पहाड़ी पे जाके उनको आराम से वहां से मारने वाला था, क्योंकि उनका फोकस स्कूबी के ऊपर होगा, उसके पास AWM है और वो उसी से लड़ रहे थे, एमके वाला भी उसी से लड़ रहा था, और मैं उसके पीछे कब आ गया एमके वाले को पता भी नहीं लगा। अब एमके वाले को तो खत्म कर दिया, अब रीलोड कर ही रहा था कि उसका टीममेट भी मेरे को दिख गया, बहुत जरा सा दिख रहा था ये, बट किसी तरीके से मैंने उसको मार दिया। अब मेरे मतलब 26 किल ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब भाई गेम प्ले मस्त जा रहा था, और दो बंदे अभी बच रहे थे कि तभी उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। अब यार उन्होंने फायर तो अभी तक नहीं करा, बट इसको भी नजर जरूर लगाने लगा था मेरे किल्स पे। अब यार उन्होंने स्कूबी के ऊपर 1-2-3 करके फायर करा था, तो गंदा फायरिंग आई थी, लेकिन इनको मेरा अंदाजा नहीं था, तो मैंने एक को नॉक कर दिया। अब दूसरे वाले ने मेरे को देख लिया था, तो मैंने उसके टीममेट को आराम से फिनिश कर दिया। अब मैं जानता था कि ये जो बंदा बच रहा है ना, ये मेरे को जानता है मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पर स्कूबी से मैंने बोला कि यार तू AWM से डिस्ट्रैक्ट करता रख, मैं क्लोज इन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं वॉल अपने आगे लेके जा रहा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उसके मुंह पे जाके वॉल बनाऊंगा और वॉल के ऊपर चढ़ के उसको मार दूंगा। अरे भाई साहब, इजी कंटेनर विद 28 किल्स।